नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRDC के अलावा में। तो आज है हमारा मंडी से लेकर चैल चौक तक का सफ़र और ये है राघव है ड्राइवर। अभी मंडी से निकल रहे हैं। और ये अपने अंकल के जो अंकल टिकटे बनाते हुए फुल इलेक्ट्रिकल वॉल्वो। लोअर फ्लोर नीली बसेस। तो निकलते हैं अब मंडी से आगे की ओर। मंडी से निकलने के बाद अब हम पहुंच चुके हुए हैं RTO ऑफिस, जो मंडी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और RTO ऑफिस के साथ में ही है हमारी HRDC की वर्कशॉप और डिवीजन, और RM साहब और DM साहब यहीं बैठते, तो ये रोड चला जाता है ऊपर की ओर और सीधा यह कुल्लू मनाली के लिए। अब हम धीरे धीरे आगे की ओर निकलेंगे। निकलते निकलते आजकल 4 लेन का काम चला, तो वो भी दिखाते रहेंगे और 4 लेन में कितना काम अभी बचा हुआ और पेंडिंग पे है और कितना हुआ है देख सकते हैं आप। थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ पर है ये चेक पोस्ट, और चेक पोस्ट में तो आप ये देख रहे हैं, ये है अंडरग्राउंड गैलरी बन रही है, और यहीं से थोड़ा सा ऊपर इसके टनल का काम लगने वाला है। तो पहले गैलरी बनेगी और उसके बाद ही टनल के ऊपर सीधा ही निकलेगा, जो कि नया चौक की तरफ से आने वाला है, और यहाँ पर बाहर उसका बेसमेंट होगा। तो इसी प्रकार देख सकते हैं आप, यहाँ पर ट्राले है और ट्राले के साथ मशीनरी यहाँ पर लाई जा रही है, जो निर्माण के लिए काम आने वाली है, और यहाँ से पत्थर मिट्टी को भी हटाया जा रहा है। और आज ये खासकर भीड़ यहाँ पर गाड़ियों की वाहनों की कतार इसलिए लगी है क्योंकि आज है पासिंग गाड़ियों की, बसेस की पासिंग। तो ये सारी की सारी HRDC की बसेस लगी है जिनकी पासिंग आज होनी है। ठीक गड्डी आई आज पासिंग है इकट्ठे HRDC की। 30 गाड़ियों की पासिंग बिल्कुल पूरी तरह से न्यू। आपको भाई गिनती के बारे में भी बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद अब धीरे धीरे बीच बीच में पॉइंट बन चुके हैं 4 लेन के, और अच्छा महसूस हो रहा है जब ये 4 लेन पूरा 2024 में बनकर तैयार होगा। अभी बीच बीच में थोड़े थोड़े पॉइंट बनकर शुरू हो रहे हैं, तो काफ़ी सहूलियत होगी इससे भी सफ़र करने में। सिंगल 2-वे रहेगा, बहुत ही एक लग्जरी फीलिंग रहती है इसमें इलेक्ट्रिकल बस में, जो कि एक वॉल्वो का एहसास करवाते हैं इसमें। वॉल्वो से भी महंगी है ये इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ जो है, वॉल्वो से भी महंगी है, तो इसका सफ़र भी वॉल्वो की तरह ही आरामदायक है, पुश बैक सीट और आर्मरेस्ट के साथ। अब बताएंगे आगे। तो यहाँ पर है कंपनी के द्वारा निर्माणाधीन क्रेशर वगैरह लगे हुए, तो यहीं से ही रेत बज रही है अपने रोडों के लिए
टायरिंग के इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी पहाड़ों पर काट कर बनाया जा रहा है कुल्लू मनाली का ये फोर लेन। बीच बीच में अभी कुछ एक पॉइंट रह गए तो वहाँ पर ही अब जाम लगता है, बाकी अब लगभग जाम कम ही लगता है। यह है थोड़ा सा जाम वाला पॉइंट, दो तीन पॉइंट है ये रह गए, बाकी अब तैयार ही है फोर लेन लगभग। शुक्र है हम समय अनुसार आ गए तो आज यहाँ जाम नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा टाइम से निकल गए, नहीं तो यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में जाम लग जाता है। यूपी बिहार ये वाले आई रहे ना, ये अरके तिलगाई ने गड्डियाँ बस यूपी बिहार पूरी जजमेंट लग दी नहीं, फिर अरके तिलगाई देनी बिच बाहर की गाड़ियों वाले जो है अधिकतर जाम लगा लेते, जजमेंट पूरी होती नहीं। और ये है मनाली हरिद्वार चंडीगढ़ बिलासपुर डिपो, बिलासपुर नहीं माफी चाहिए सुंदरनगर डिपो की गाड़ी है ये। तो ये है जाम वाले पॉइंट जो हमने आपको दिखाए, एक लगभग अद्भुत ही सफ़र करने का मज़ा है इसमें। वॉल्वो की तरह फीलिंग बिल्कुल पूरी की पूरी, कुछ बैग से वगैरह हैं तो चाचा खड़े हुए पीछे, आज थोड़ी सी सवारियाँ ज़्यादा हो गई है तो हम इनको आग्रह करेंगे आगे आ जाए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ों पर काट कर ही फोर लेन बनाया जा रहा है, जो लगभग ऊँचे ऊँचे पर्वत और पहाड़ थे उनको काट कर ही फोर लेन को बनाया जा रहा। तो काफ़ी समय पहाड़ों में रोड बनाने के लिए लग गया इस कंपनी का, जो 2024 तक इसका लक्ष्य 2022 तक तो 2 साल बढ़ा दिया गया था। तो पहाड़ों में रोड बनाना बहुत ही मुश्किल है तो इसलिए समय लगेगा थोड़ा। रोड काफ़ी समय से खाली था तो हम बहुत खुश हुए, परंतु थोड़ी देर में पता चला कि आगे फिर से जाम लग गया, क्योंकि ये दो तीन पॉइंट रह गए पंडो के लिए और लगभग रोड में फिर कम ही जाम है तो थोड़ी सी लंबी कतार। सिंगल साइड चलते हो तो फायदा भी है, साइड है अपने पास, थोड़ा सा जाम का आनंद लेंगे यहाँ, जाम को भी चीरते हुए निकलते हुए यहाँ से। काफी टाइम हो गया था जाम में खड़े हुए, तो आखिर हम जाम की वजह जानने आगे पहुँच ही गए। तो यहाँ पर एलएनटी पूरे पूरे पहाड़ कट दिए, पूरे 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 के पूरे 2022 इंद्र बनना था, वैसे 2024 लगी, 2 साल लेट हो गया इस वजह से। पहले था टारगेट तो क्या 2022 भी क्लियर हो जाना, पर जब कॉस्ट तो बढ़नी है बढ़नी, जब पत्थर मिट्टी ताम बरसात है यानी फिर पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं। राघव भाई के साथ थोड़ी सी बात चली गई, तो यह दृश्य कुछ थोड़ा सा बाहर का भी हम आपको दिखा दिए, पुल और रोड के साथ ही दरिया। भली भांति जानते हैं आप इस रोड पे अगर आ रहे हैं चचा के साथ, चचा इसी रोड पे मिलते हैं ज़्यादातर और काफ़ी मेहनती और ईमानदार कर्म परिचालक है। रामपुर से ट्रांसफर आए हुए चाचा अपने तो भी मंडी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इनके बारे में भी हमने थोड़ा सा अनुवाद कर दिया। और ये है साथ में ही दिखते दिखते
मनाली दिल्ली जो ले दिल्ली चलती है बस, ये वही है केलोंग डिपो की। और अभी इसकी सेवा केलोंग से ही चल रही है ये, तो धीरे धीरे अभी जून में ही लद्दाख से यह सेवा शुरू होने वाली है। तो जानकारी अगर कोई वीडियो देख रहा तो बता देते उनकी जानकारी के लिए, अभी लद्दाख के लिए रोड बंद है तो अभी केलोंग तक ही जा रही है। तो लगभग आधा घंटा का जाम हमें लग ही गया और आधे घंटे बाद अब हम थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हुए राघू भाई तो जाम से निकलने के बाद अब थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हुए आपको ये वेस्ट व्यू नज़र आ रहा है गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पर लगभग कुल्लू मनाली की ओर से जितनी भी वॉल्वो जाने वाली है तो यहीं पर रुकती है वो रात्रि डिनर और दिन का ब्रेकफास्ट। काफ़ी जाने माने होटल है ये मनाली लाइन के, तो वॉल्वो वाले अगर कोई देख रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट करें। तब कुछ इस तरह से है फोर लेन का नज़ारा, बीच बीच में रोड लगभग तैयार होने वाला है तो तैयार हो भी रहा है और होने वाला है। थोड़ा सा सवारी को भी उतारते हुए बाद अब निकलते यहाँ से कुल्लू 56, मनाली 97 और रोहतांग पास 148 किलोमीटर का सफ़र है। तो आगे नेशनल एयरपोर्ट आने वाला है भुंतर एयरपोर्ट। पहाड़ों पे कटिंग करने से बहुत ही स्लाइडिंग होती है और उसकी वजह से काफ़ी समय लग गया है रोड बनने में। और यह है मनाली अमृतसर, मनाली अमृतसर, और ये कुछ रोड की झलक है बीच बीच में जो पूरी तरह तैयार हुआ है। तो ये है ऑपरेट करने के सिस्टम, ये बटन है आगे और पीछे के दोनों, जो ड्राइवर द्वारा ही इसके दरवाजे खोलते और बंद होते हैं। एक अलग ही फील है इसमें नज़ारा सफ़र करने का, और नहीं बस कोई भी जंप इसमें उपलब्ध नहीं है आपके लिए। ओवरटेक में चलते हुए, ओवरटेक भी जरूरी है और खाली रोड है, आर्मी के वाहन चले हो तो उनमें स्पीड लिमिट होती है, हमारी भी स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर ही है तो नहीं भागती है, 60 पर ही वार्निंग देना शुरू कर देती है। तो अभी हमारी स्पीड है 60 प्लस। इसके साथ ही है ये HP 69 मनाली चंडीगढ़ दिल्ली बिलासपुर डिपो की बस है ये। ये अब हम पंडो बाजार पहुँच रहे हैं, तो पंडो बाजार में भी थोड़ा सा
जाम की स्थिति, तो देखते हैं कितना जाम लगता है। अक्सर गलत पार्किंग से जाम होता है यहाँ पर। जैसे आप इनको देख सकते हैं, ड्राइवर गायब। ये थी दिल की तय, उठी कर देती खड़ी। कुल दूरी है 53 किलोमीटर। लो जी ड्राइवर भाई साहब, उतर कर बाहर, और अब हम निकलेंगे यहाँ से राइट टर्न होकर। राइट टर्न यहाँ से बोहरचाल चौक के लिए लेंगे, और जिजाली के लिए भी ये रोड जाता है, और ये एकमात्र मनाली से बाईपास रोड भी है। आप सीधा नहर चौक और सुंदर नगर निकल सकते हैं। और अब पंडो बाजार से निकलते हुए, तो काफ़ी जाम रहता है यहाँ पर। सही तरीके से गाड़ी को पार्क ना करना, और हर कहीं गाड़ी को खड़ी कर देना, इसी वजह से जाम लगा रहता है। चलो हिंदुस्तान में तो यह आम बात है। रूल बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। चलते हैं अब भूषण पहाड़ों का, पहाड़ों की ओर। अब थोड़ा सा अब पर थोड़ा धीरे धीरे करके अब थोड़ा पहाड़ों की ओर बढ़ते हैं, और धीरे धीरे अब चढ़ाई की ओर, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था। और छोटे छोटे पुलों से गुजरते हुए कटिंग रही गेम ऑर्डर ही रोड की बात करते हैं। कितनी किलोमीटर से? ये है स्विच खोलने के लिए दरवाजा, इसी तरफ दरवाजा बंद है।